काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि डिप्रेशन के बारे में वार्निंग साइंस क्या होती है, या कौन से इशारे हमें किसी में दिखाई देते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि इसको डिप्रेशन आ सकता है या सूचनाएं मिल सकती है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन की वार्निंग साइंस क्या है, मतलब सूचनाएं या इशारे कहाँ से मिलते हैं, या कौन से इशारे हैं कि जहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि ये डिप्रेशन उसको है या आ सकता है, मतलब आने के पहले। क्योंकि एक बार डिप्रेशन आ गया व्यक्ति को, तो फिर हम कोई भी उसको डायग्नोज कर लेंगे कि वो नर्वस है। मगर अभी डिप्रेशन आया नहीं है और हमारे आसपास में व्यक्ति है, तो ऐसे कौन से इशारे हैं या ऐसे कौन सी सूचनाएँ हैं जो हमको मिलती है, वहाँ से हम बोल सकते नहीं ये आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। तो देखिए कि सैड होना, मतलब उदास होना, कुछ घटना हो गई और उदास होना, वो तो नेचुरल है। मगर सब अच्छा चल रहा है, उसके बाद में भी आदमी उदास दिख रहा है। फिर कभी कभी वो व्यक्ति मरने के बारे में बोलते रहता है, सुसाइडल थॉट्स या आइडिएशन बोलते रहता है। फिर कभी बिना कारण का वो थकान थका महसूस लगता है उसको, मतलब थकान महसूस लगती है, नींद कभी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको उदास लगता है बिना कारण का, कुछ कारण है तभी उदास लगता है, या निराश और हताश लगता है, या उसको फिर कोई किसी में रुचि नहीं लगती, प्लेजर नहीं, रुचि नहीं, आनंद नहीं है। तो फिर ऐसे लक्षण यदि किसी में दिखाई दे तो हम बोलते कि नहीं, इसके ऊपर नज़र रखो, ये डिप्रेशन में जा सकता है ये व्यक्ति, क्योंकि बिना कारण ये सब हो रहा है। ऐसे कौन से सवाल है कि जो हम किसी को पूछते हैं और उसका यदि जवाब हाँ आता है तो वो डिप्रेशन उसको है या शुरुआत हुई है या हो सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नंबर एक, कि पिछले 2 हफ्ते में आपको बिना कुछ कारण से निराशा या उदासीनता आ रही है क्या? पहला सवाल, पिछले 2 हफ्ते में बिना कुछ कारण आपको निराशा या उदासीनता आ रही है क्या? और नंबर दो, पिछले 2 हफ्ते में आपको कोई भी काम करने में आनंद या रुचि मिल नहीं रही क्या? आनंद नहीं है और रुचि नहीं है कोई काम करने में, इंटरेस्ट नहीं है, प्लेजर नहीं है, कोई भी प्लेजरेबल उसको लगता नहीं है, तो वो है क्या? तो ऐसे 2 सवाल हम पूछते हैं वो व्यक्ति को, और उसका यदि जवाब हाँ आता है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। तो इनके ऊपर हम केयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, और आगे चल के डिप्रेशन को हम मतलब रोक सकते हैं या उसको डिप्रेशन से बचा सकते हैं। तो ये डिप्रेशन के वार्निंग साइंस है, और ये वार्निंग साइंस सभी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सके और उसका इलाज कर सके। क्योंकि डिप्रेशन एक प्योरली 100% ट्रीटेबल इलनेस है। उसको एंटी डिप्रेशन हम देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, 100% उसमें फ़ायदा होता है, और बाद में जो तकलीफ है, सफरिंग जो है, वो वहाँ से वो बच सकता है। काफ़ी सारा समय काम नहीं करने में जाता है, वो छुट्टियाँ लेता है, घर में बैठता है, तो उत्पादन क्षमता बाद में कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। एक के साथ में काफ़ी लोग घर में बीमार हो जाते हैं, कभी कभी आदमी उसमें सुसाइड भी कर लेता है। तो ये वार्निंग साइंस, कृपया ध्यान रखिएगा, ये लोगों को शेयर करो और उससे लोगों के जीवन में अवेयरनेस लाओ, ताकि हम ये आगे बढ़ने से पहले, कोई बीमारी आगे बढ़ने से पहले उसको हम रोक सकेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।